मतलब वो काले वाले नहीं होते, वो तो है ही नहीं, ये वाइट वाइट जैसे, ये इसका मतलब ये है कि अपना पपीता पका नहीं है या आई डोंट नो, बट देख सकते हो आप, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे, पता नहीं अब खा के पता लगेगा यार। बाकी एक बार ही मैंने एक सब्जी वाले से पूछा था, वो जान पहचान वाले सब्जी वाले थे, मैंने उनसे ये पूछा था कि आप डिफरेंस कैसे पता लगता है कि अडल्ट्रेटेड कौन सा है और ठीक कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जो आपको बिल्कुल एकदम शाइनी दिखेगा ना, कि जो हर कुछ चमक रहा होगा आपको ऐसा लगेगा कि हर बहुत अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेटेड होगा, उसमें चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन के। बट हाँ, जो आपको ऐसा लगेगा कि दबा हुआ है थोड़ा, ऐसे बाहर से ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है देखने में, वो रियल है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ। अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं आई डोंट नो, बाकी आप में से किसी को पता हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अर्ली मॉर्निंग पपीता वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर योर लिवर। सबसे पहले उठकर फ्रेशन अप होकर गर्म पानी विद अ जुवैन, ठीक है, सेकेंड चीज़ हैविंग पपीता, थर्ड चीज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ऐसा हमारा कुछ ऑर्डर चलता है अभी। तो पानी भी साइड बाई साइड में गर्म करके रख रहा हूँ, ताकि जब तक मतलब हम अपने छोटे मोटे काम से फ्री हो तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए, वरना यहाँ इतना गर्म पानी नहीं पी सकते। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू बहुत है गाइस, ये देखो अमेजिंग व्यू, इज द सेम एज यूजुअल गाइस, गर्मी भी सेम एज यूजुअल, ह्यूमिडिटी भी सेम एज यूजुअल, चेंज तो कुछ नहीं, चेंजेस तो वैसे सच होता हूँ यहाँ जरकपुर में होते ही रहते हैं, जैसे ये वाली बिल्डिंग बनने लग गई है सामने, पता नहीं क्यों क्या बनने वाला है यहाँ पर, सेम विद दैट, ये देखो क्या तेज़ी से बन रही है सामने बिल्डिंग यार, यहाँ पर एक और सोसाइटी बनने जा रही है, कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन गई है, बहुत ज़्यादा घर बनने लग गया है। बाकी ओ क्या बात है गाइस, आज हवा चल रही है यार, ओ नाइस। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसे रहने वाला है, आज थोड़ी बहुत जैसे घर की सफाई तो चलो हो गई थी मैक्सिमम, कल थोड़ी बहुत बचा है घर सेट करने को, वो करना है, सेकंड चीज़ कपड़े धोने को है, और ये काम मैं इसलिए निपटा रहा हूँ क्योंकि कल मेरा कहीं का प्लान बन सकता है, कहाँ का वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा, तभी मैं चाह रहा हूँ कि आज के आज सारे घर के काम निपटा सकूँ ना, ताकि भाई के लिए बोझ ना पड़े बाद में, क्योंकि ये अपने इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो मैं इसको चाह रहा हूँ जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ ताकि ये अपने काम पर उतना ज़्यादा ध्यान दे सके। छोटी सी चीज़ ने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि क्या ही बताएं, मैं अंदर अपने किचन में था, किचन तक मुझे इसकी आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, वो भी तो यार ब्रेकफास्ट से पहले मैंने सोचा एक लॉट कपड़ों का धोने के लिए लगा लेता हूँ, ताकि ये काम से मैं जल्द से जल्द फ्री हो जाऊँ, तो एक लॉट अपना लग चुका है, एक लॉट और लगना बाकी है, उसके बाद अपने कपड़े भी धुल के हो जाएंगे, कि उसके बाद एक आध काम और है वो निपटा के फिर अपन फ्री है। तो गाइस एक लॉट मैंने अपना क्या बोलते हैं एक लॉट धो धा के अब मैंने ड्रायर में डाल दिया, बाकी दूसरा लॉट भी मैंने अब धोने के लिए डाल दिया है, साथ ही में अब मैंने अपना क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर दिया था, जो भाई अभी जस्ट खा रहे, ठीक है, तो मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ, तब तक अपना एक लॉट ड्राई अप हो जाएगा, दूसरा लॉट धुल जाएगा, फिर उसको सेकेंड बारी नॉर्मल पानी से धोएंगे, फिर उसको सुखा देंगे, फिर अपने कपड़े भी धुल के फारिग हो जाएगी। जिस दिन गाइस मेरा ये वाला जिसमें मतलब स्पेशली छोटे कपड़े टांगते हैं लाइक सॉक्स हैंकरचीफ्स यो इनर वेयर्स वो टूट चुका है, अब आई डोंट नो इन सबको लगाऊंगा कहाँ, या तो यहीं कहीं एडजस्ट करने पड़ेगा आई डोंट नो, चलो देखते हैं, पहले ये जो है ये तो लगा दूँ, तो ये है मेरा लास्ट लॉट, इसके बाद मेरे कपड़े फारिग हो चुके हैं धुल के, और
बाकी भी जितने छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने निपटा दिए साइड बाई साइड। अब बचती है थोड़ी बहुत अपनी ग्रूमिंग, मैं एक और चीज़ बचती है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ मैंने एक एडिट भी करनी है, एक रील एडिट करनी है, तो वो भी करते गए जिसके बाद इसके बाद चल रहा है काम ही काम देख सकते हो। बाकी अभी मैं और भाई जा रहे हैं किसी काम से, बाहर थोड़ा सामान ला रहे हैं, तो हमने सोचा वॉकिंग चलते हैं। नए टाइम से वॉक वगैरह कुछ की ही नहीं है, वो स्टेप्स वगैरह जो कर रहे थे ना भूल ही गए, बट अब वो वापस कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है यहाँ से सीधे उतरने से, 10 फ्लोर उतरते हैं, कुछ तो स्टेप्स बनेंगे। इतने टाइम बाद चल रहे हैं ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है फ्लोर्स खत्म ही नहीं हो रहे। गर्मी की वजह से ना सब कुछ ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है ये कुछ नहीं है, सुना चलना है हाँ वो तो ये मैं मान सकता हूँ, वरना कैसे चल रहा है ना तो चलते जितना मर्जी, हाँ इतना फील नहीं होता है। सीरियसली बेशक वो चलना हो या कुछ काम करना हो यहाँ, सीरियसली ऐसा लगता है भाई, टास्क थोड़ा ही करोगे तो वही ऐसा लगेगा बहुत मेहनत कर दी आपने। तो चल भाई अपन तो रेडी है, अपन है रेडी अब जाने के लिए। कहाँ के लिए गाइस? आज अब ये वैसा है कि मैं आपको पहले पूरी सिनेरियो समझा देता हूँ। तो बढ़िया नहा धो के हम फारिग हो चुके थे, थोड़ा अपनी ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ करके फारिग हो चुके थे, और फिर आया मुझे साहिल का फ़ोन कि भाई और शिवम भाई नीचे आना डिनर करने, तो उन्होंने साथ में बुलाया है रुकटा भाई को, तो मैं मना कैसे कर सकता, मैं ज़रूर भाई आगे तेरे घर डिनर करने, तो बस उसी के लिए अभी हम निकल रहे हैं। इस टाइम दिखाऊँ तो 8 बजने वाले, और उनका बार बार फोन आ रहा है क्योंकि रुकता भाई भी नीचे पहुंच गए, और शायद साहिल उनको लेने भी गया था, शायद चंडीगढ़ तक, आई डोंट नो कहां तक, बट वो बोल रहा था कि मैं उनको लेने जाऊंगा, तो वो लोग पधार चुके हैं सब के सब उसके घर पे। तो अब देखते हैं चलते हैं हम भी नीचे, अपन तो बढ़िया फ्रेशन अप, क्योंकि अभी तक एक काम था बहुत ज़रूरी वाला जो मैं अभी तक निपटा रहा था, और उसमें थोड़ी अपनी हालत टाइट हो गई थी, तो अपने आप को वाइप आउट करके बढ़िया थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेशन अप हो गया, फिर से अब निकलते हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि यार मौसम देखो, सबसे पहले मौसम अभी फ़िलहाल ठीक है गाइस, तो कपड़े निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, कपड़े थोड़े थोड़े गीले बचे हुए, जैसे ही तो क्या मतलब जैसे ही डिनर करके आएगे ना उसके बाद कपड़े निकाल दूंगा और अंदर रख दूंगा उनको भी। यहाँ पर मतलब पिछले 2 दिन से ना मेरे को छिपकलियाँ मिल गई इतनी साइज़ की, उनको जैसे तैसे मैंने बाहर भगा तो दिया, बट समझ नहीं आ रहा वो आ कहाँ से रही है, या तो पहले की आई हुई और कहीं ना कहीं छुपी हुई थी अब बाहर निकल रही है, या फिर कोई जगह ऐसी तो है ओपन जहाँ से वो आ रही है, बट मैंने पूरा घर छान मार लिया, कहीं भी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं है। तो शायद हो सकता है जैसे कभी एक बार दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हो उस टाइम एंटर हो जाती होगी, मे बी आई डोंट नो। चले भाई मिल लो अच्छे से, मार खानी किसकी? ध्रुव की? निखिल भैया। अच्छा कब से भाई? हाँ नहीं नहीं तू तो डाइट बैन, नहीं चेंज दिख रहा है भाई, पतला दिख रहा है तू, भाभी भी इवन हाँ नहीं लग रहा है, फर्क लग रहा है गाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। शादी का बहुत ठूस लिया था तो उसके बाद तो काफी जरूरी था, जरूरी है भाई। मैं भी सोच रहा हूँ तेरे साथ ज्वाइन कर लूँ काफी जल्दी, अब मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं भी काफी है ना, मेरे को अब पता चल रहा है कि नहीं तो आपको लेटर ऑन स्टेजेस बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा। इनको देखिए चुगली को जो बातें की वो डाली ना जाए, कर दी चुगलियां कर दी अपनी तुमने, नहीं चुगलियां कर रहे हैं हमारे कैमरे पीछे है, उसे ठंडक मिल जाएगी, सही बात है, दूसरा पिएगी उससे गर्मी होगी, नहीं तभी पानी जरूरी है, लाइट भी नहीं है ना तो इसलिए अब यही पिला सकते हैं। अरे भाई लाइट ने प्राण खाएगा, एसी नहीं चल पा रहा उसकी वजह से, देखो तभी पंखे के नीचे खड़ा है यार भाई, कुछ ज्यादा ही है भाई, के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा है।
बोल सकता तू। हाँ यहाँ पर गर्मी है ना, वो तो ज्यादा फील होती है। वही बोल रहा हूँ ना, टेम्परेचर ज्यादा उसकी वजह से भी ज्यादा फील होती है। बाकी भाई सेब सुधर चुका है, इसे देख लो कितने आराम से छू रहा है भाई, वरना पहले तो नहीं भाई खेल रहा है, खेल रहा है। तेरी दोस्ती होगी इसके साथ भाई, मेरी मेरी नहीं हुई अभी तक।